दोस्तों पंकज त्रिपाठी आज अपनी नेचुरल एक्टिंग के लिए पूरे भारत में मशहूर हैं, लेकिन दोस्तों मिर्जापुर में कालीन भैया और गैंग्स ऑफ वासेपुर में सुल्तान जैसे रियलिस्टिक किरदार निभाने वाले पंकज त्रिपाठी का अभी तक का ये सफर इतना आसान नहीं रहा। तो चलिए दोस्तों आज की इस लाइफस्टाइल वीडियो में बात करते हैं मिर्जापुर के कालीन भैया यानी कि पंकज त्रिपाठी के लाइफस्टाइल के बारे में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप पंकज त्रिपाठी के फैन है तो इस वीडियो को दो लाइक। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पंकज त्रिपाठी का जन्म 5 सितंबर 1976 को बिहार के एक छोटे से गांव में हुआ और 2020 के हिसाब से इनकी उम्र हो चुकी है 50 साल। इन्होंने अपनी स्कूलिंग डीपीएच स्कूल बिहार से की है और इन्होंने दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग सीखी है। वहीं कैरियर के शुरुआती दौर में उन्हें काफी संघर्षों का सामना करना पड़ा, लेकिन कठिन से कठिन सिचुएशंस में भी हार ना मानते हुए उन्होंने अपना काम जारी रखा और आखिरकार पूरे भारत में अपनी शानदार एक्टिंग के जरिए पहचान बनाई। हालांकि भले ही पंकज का जन्म बिहार के एक छोटे से गांव में हुआ, लेकिन शुरू से ही उनका सपना काफी बड़ा हुआ करता था और बचपन से ही वे बॉलीवुड में जाने का सोचने लगे थे। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि आखिर किसान के यहाँ पैदा होने वाला लड़का जो कि खुद भी खेती में अपने पिता का हाथ बटाता है, उसके अंदर एक्टिंग का कीड़ा कैसे लगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल पंकज के गांव में किसी भी फेस्टिवल के समय एक नाटक का आयोजन किया जाता था जिसमें वे लड़का और कभी कभी तो लड़की का भी किरदार निभाते थे और इस तरह के नाटकों में पंकज हमेशा एक लड़की बना करते थे और उनकी शानदार एक्टिंग को देखकर गांव वाले लोग उन्हें बॉलीवुड में जाने की सलाह देते रहते और यहीं से पंकज त्रिपाठी ने भी ठान लिया कि वे एक्टिंग के फील्ड में ही अपना कैरियर बनाएंगे। पंकज त्रिपाठी पेशे से एक एक्टर, प्रोड्यूसर और मॉडल हैं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पंकज त्रिपाठी के कैरियर के बारे में। पंकज त्रिपाठी 1999 में दिल्ली शिफ्ट हो गए जहां उन्होंने अपने एक्टिंग को इम्प्रूव करने के लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन ले लिया और फिर 2004 में वे एनएसडी से ग्रेजुएट हुए और फिर इसी साल 15 जनवरी को पंकज त्रिपाठी की शादी मृदुला नाम की लड़की से करा दी गई। हालांकि अब शादी के बाद पंकज के ऊपर काफी जिम्मेदारियां बढ़ गई थी और इसीलिए उन्हें जल्द ही अपने कैरियर को आगे बढ़ाना ही था और फिर यहीं से सब कुछ मन में लिए 2004 में पंकज मुंबई शिफ्ट हो गए जहां पर उन्होंने एक्टिंग की फील्ड में काम की तलाश करनी शुरू कर दी। हालांकि शुरुआती कुछ महीने दर दर भटकने के बाद उन्हें कोई काम नहीं मिल सका, लेकिन पंकज ने अपनी काबिलियत पर भरोसा रखते हुए ऑडिशंस देने जारी रखे और फिर कुछ महीनों तक के उनके संघर्षों के बाद उन्हें टीवी शोज और मूवीज में बहुत ही छोटे छोटे ही सही लेकिन काम मिलने शुरू हो गए। हालांकि इन छोटे मोटे काम से पंकज की कुछ खास कमाई नहीं हो पाती थी जिससे वे अपना घर चला सके, इसीलिए उनकी पत्नी ने भी गोरेगांव मुंबई में बच्चों को ट्यूशंस देना शुरू कर दिया था। वैसे देखा जाए तो फिल्मों में पहला रोल पंकज त्रिपाठी को 2004 की ही मूवी रन में मिल गया था और इनका किरदार इस फिल्म में इतना छोटा था कि वो शायद किसी को याद भी ना हो। और फिर ऐसे ही करके आगे कई साल तक पंकज ने बहुत सारी फिल्मों और टीवी सीरीज में काम किया, लेकिन अब समय भी आगे बढ़कर हो चुका था 2010 का और इसी साल स्टार प्लस के फेमस शो गुलाल में पंकज को काम करने का मौका मिला और फिर उनके शानदार काम को देखते हुए कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने उन्हें अनुराग कश्यप की अगली फिल्म के लिए अप्रोच किया। लेकिन जब पंकज इस फिल्म का ऑडिशन देने के लिए पहुंचे तो 8 घंटे के ऑडिशन के बाद भी अनुराग कश्यप पंकज की एक्टिंग से खुश नहीं थे, लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश के कहने पर उन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर में पंकज को सुल्तान का रोल दे दिया और ये फिल्म रिलीज होने के बाद से पंकज त्रिपाठी की वजह से बहुत बड़ी हिट साबित हुई और इस फिल्म में पंकज की शानदार एक्टिंग की जितनी भी तारीफें की जाए उतनी कम हैं। इस फिल्म के बाद से पंकज फिल्म मेकर्स की नजरों में आ चुके थे और यहाँ से पंकज त्रिपाठी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और इसीलिए उन्हें बहुत सारी मूवीज में अच्छे खासे रोल भी मिलने शुरू हो गए और वे आगे चलकर फुकरे, मांझी द माउंटेन मैन, नील बट्टे सन्नाटा, न्यूटन, बरेली की बर्फी और स्त्री जैसी कई सारी मूवीज में अपनी शानदार एक्टिंग से लोगों को प्रभावित कर चुके हैं। साथ ही उन्हें न्यूटन मूवी में शानदार काम करने के लिए नेशनल अवार्ड भी दिया जा चुका है और दोस्तों 2018 में साल की सबसे लोकप्रिय वेब सीरीज सेक्रेट गेम्स और मिर्जापुर में भी वे अपनी बेहतरीन एक्टिंग का जलवा लोगों को दिखा चुके हैं। दोस्तों अगर आपको भी पंकज त्रिपाठी की एक्टिंग मिर्जापुर में पसंद आई थी तो इस वीडियो को दो लाइक। और दोस्तों मिर्जापुर में उनके द्वारा निभाया गया कालीन भैया का किरदार रातों रात सबका फेवरेट बन गया था और 2021 में मिर्जापुर 2 भी रिलीज होने वाली है। पंकज त्रिपाठी की सुपरहिट मूवीज के नाम है सेक्रेट गेम्स, मिर्जापुर और गैंग्स ऑफ वासेपुर। दोस्तों आपको पंकज की कौन सी मूवी पसंद है हमें नीचे कमेंट करके बताएं।
अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पंकज के अवार्ड्स के बारे में। पंकज को कई सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, जिनकी लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों आपको मिलवाते हैं पंकज के परिवार से। इनके पिता का नाम है पंडित बनारस त्रिपाठी। इनकी मां का नाम है हेमंती देवी। इनकी बीवी का नाम है मृदुला त्रिपाठी। इनकी बेटी का नाम है आशी त्रिपाठी। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पंकज की इनकम के बारे में। पंकज एक मूवी में काम करने के 30 लाख रुपए चार्ज करते हैं। पंकज किसी भी वेब सीरीज के एक एपिसोड के 15 लाख रुपए चार्ज करते हैं। इसके अलावा पंकज ने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट भी की हैं, जिनसे इनकी अच्छी खासी इनकम हो जाती है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पंकज की नेटवर्थ के बारे में। 2020 के हिसाब से इनकी नेटवर्थ है 190 करोड़ रुपए। अब चलिए दोस्तों आपको पंकज का घर दिखाते हैं। पंकज अपनी फैमिली के साथ अंधेरी वेस्टर्न मुंबई के शानदार अपार्टमेंट में रहते हैं, और इन फोटोज और वीडियोस में आप इनके घर की कुछ झलक देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पंकज त्रिपाठी की कार्स कलेक्शन के बारे में। इनकी कंप्लीट कार्स कलेक्शन की प्राइस 10 करोड़ से भी ऊपर है। इनके पास एक मर्सिडीज बेंज E200 है, जिसकी कीमत है 80 लाख रुपए। इनके पास एक टोयोटा फॉर्च्यूनर भी है, जिसकी प्राइस है 40 लाख रुपए। इसके अलावा इनके पास मर्सिडीज ML500 भी है, जिसकी कीमत है 70 लाख रुपए। तो दोस्तों ये थी पंकज की लाइफस्टाइल वीडियो। अगर आप पंकज के फैन है तो इस वीडियो को दो लाइक, और साथ ही साथ शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और हमें कमेंट करके बताओ नेक्स्ट वीडियो किस एक्टर पर देखना चाहते हैं आप।